Hello guys, my name is Aditya Dubey. Welcome back to another daily MPPSC MCQ part number 10. In this lesson, we will look forward to some important MCQ pertaining to MPPSC. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरिमाऊ शक्ति 2018 भारत और किस देश के साथ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मलेशिया. मलेशिया और इंडिया के साथ हरिमाऊ शक्ति एक बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो हुई. अब मैं बात करता हूँ दूसरे ऑप्शन की. अगर बात की जाए रशिया की, तो इंडिया और रशिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहलाती है उसको कहते हैं इंदिरा, INDRA. और अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल और इंडिया के साथ जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण. याद रखिएगा, सूर्य किरण इज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, वाइल इंदिरा इज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, एंड हरिमाऊ शक्ति इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया. तो ये आप याद रखिएगा. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि SCO का इनमें से कौन सा देश मेंबर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ईरान. अब बात करते हैं SCO की. तो SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में. और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये है बीजिंग, चाइना में, ओके. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है बीजिंग, चाइना में. अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान इसके लास्ट 2 मेंबर नेशन ऐड हुए हैं और ये ऐड किए गए थे 2016 में. अब आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं कि इस SCO के मेंबर कितने हैं और कौन कौन से देश इसके मेंबर में शामिल हैं. तो आप इजीली गैस कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान तो हैं, ओके. सो इंडिया, पाकिस्तान और बाकी के बचे मेंबर के लिए आप एक सिंपल ट्रिक रिकॉल कर सकते हैं जो कि है ट्रक, TRUCKK. अब मैं जानता हूं ट्रक की स्पेलिंग ये नहीं होती है, लेकिन आप रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं TRUCKK. टी स्टैंड करता है तजिकिस्तान से, आर स्टैंड करता है रशिया से, यू स्टैंड करता है उज्बेकिस्तान से, सी स्टैंड फॉर चाइना. अगर के की बात की जाए तो बात की जाती है कजाकिस्तान की, और दूसरे के की अगर बात की जाए तो वो है किर्गिस्तान. तो याद रखिएगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, और बाकी लास्ट के 2 रिसेंट मेंबर जो 2016 में ऐड किए गए वो थे इंडिया और पाकिस्तान. सो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं इसको. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सार्क का इनमें से कौन सा देश मेंबर नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होगा सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है. ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन. तो ये भी एक 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, ओके. अब इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है याद करने की. मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूं, देन इसके बारे में हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं. तो ट्रिक बहुत ही सिंपल है जो कि है MBBS PAN, ओके, MBBS PAN. अब M स्टैंड करता है मालदीव से, ओके. B स्टैंड करता है बांग्लादेश से, दूसरा B स्टैंड करता है भूटान से, लास्ट का S जो है वो श्रीलंका. PAN आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, A स्टैंड फॉर हमारा अफगानिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया एंड N स्टैंड फॉर नेपाल. तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि म्यांमार इस सार्क का मेंबर नहीं है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज म्यांमार. मीनवाइल मालदीव, नेपाल और भूटान इस सार्क के मेंबर हैं. आपसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, मीन्स वॉट इज द फाउंडेशन डेट फॉर सार्क. तो आप इजिली टिक कर सकते हैं ऑप्शन जो कि है 8 दिसंबर 1985, ओके. और ये कितने मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये टोटल 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है. एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको मेंबर्स, MBBS PAN, M स्टैंड फॉर मालदीव, B स्टैंड फॉर भूटान, दूसरा B स्टैंड करता है बांग्लादेश से, फिर बात करते हैं S की तो श्रीलंका, PAN पाकिस्तान, P से स्टैंड करता है A अफगानिस्तान, I इंडिया, N नेपाल. तो काफी इजी ट्रिक है, आप रिमेंबर कर सकते हैं इससे. अगला क्वेश्चन है कि G7 का इनमें से कौन सा देश मेंबर नहीं है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ये काफी सिंपल ट्रिक है, आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं GJ फैब्रिक, ओके. अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा
कि G7 पहले G8 नाम से जाना जाता था, लेकिन 2014 में मीन्स 2014 को रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके कारण जो G8 पहले हुआ करता था वो अब G7 नाम से जाना जाने लगा। तो अगर आपसे G8 अगर एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें रशिया शामिल होगा, लेकिन G7 की अगर बात की जाए तो उसमें रशिया शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रशिया, क्योंकि रशिया अब G7 का मेंबर नहीं है, क्योंकि वो पहले G8 का मेंबर हुआ करता था। लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस की अगर ट्रिक की बात की जाए तो आप रिकॉल कर सकते हैं GJ फैब्रिक। अब R रशिया को स्टैंड करता है लेकिन R मेंबर नहीं है, तो सिर्फ रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए फुल फॉर्म की तो आप ट्रिक का फुल फॉर्म बना सकते हैं G स्टैंड फॉर जर्मनी, J फॉर जापान, F फॉर फ्रांस, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, R फॉर रशिया जो कि 2014 से मेंबर नहीं है। आई की बात की जाए तो आई से कंफ्यूज मत होइएगा, आई स्टैंड फॉर इटली एंड सी स्टैंड फॉर कनाडा। ओके, GJ फैब्रिक। तो G7 का मेंबर कौन सा देश नहीं है? रशिया, क्योंकि वो 2014 में उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेबल का ATM NBFC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? अब मैं आपको ATM का फुल फॉर्म पहले बता दूं, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर बात की जाए NBFC की तो NBFC का भी फुल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए, जो होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो जिस लेबल का ATM प्रोवाइड करती है उसको कहा जाता है व्हाइट लेबल ATM। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज व्हाइट लेबल ATM इज प्रोवाइडेड बाय NBFC। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की जो है ग्रीन, तो ग्रीन लेबल ATM जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए। ओके, एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए ग्रीन लेवल ATM प्रोवाइड किया जाता है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए जो कि है ऑरेंज लेवल ATM, तो वो प्रोवाइड किया जाता है शेयर ट्रांजेक्शन के लिए। तो शेयर ट्रांजेक्शन का भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो प्रोवाइड किया जाता है ऑरेंज लेवल ATM, ग्रीन लेवल ATM इज फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन, मीन वाइल व्हाइट लेवल ATM इज फॉर NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डील किए इस लेसन में। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी सजेशन या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत ही कम समय में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिया है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। ओके, और आप अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं PDF या अपडेट से जो मैं चैनल की करता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक है t.me/AdityaDubeMBBSC। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMBBSC। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।